शादी पे जाने के लिए अपना नाश्ता करें हैवी और दोपहर को सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ जाओ। अब हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सर्दियों में। आप इसको स्टेन करके सुबह अगर डेली बेसिस पे पीते हैं तो आप बड़े आराम से 4 से 5 किलो सिर्फ इस एक कावे को डाइट मेंटेन करके यूज कर सकते हो। चने लोबिया डालें, इनको अल्टरनेट डेज पे यूज़ करें। इमली के इतने सारे फ़ायदे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते का। और अगर आप डेली बेसिस पे ऑरेंज भी लेते हो, पानी भी पीते हो, तो स्किन तो अच्छी हो ही रहे। सूप को डेली बेसिस पे हम डिनर के तौर पे ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर वेल। एज यू नो, आजकल हर बंदे की एक ही टेंशन है कि यार वजन कैसे कम करें, शादी सीजन है, ये है वो है। तो हमारे साथ द इंटरनेशनली रेनाउंड माशाल्लाह ब्रिलियंट ज़ैनब गोंदल हैं, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन भी हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। ज़ैनब प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ज़रा बता दो, मेरे जो ये अमेजिंग यूट्यूब के मेरी सहेलियाँ हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, सारे हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो वेट लॉस इस सीज़न में कैसे है। वेट लॉस करना जो है जुगन आपी, वो हम सबका ख्वाब रहता है, चाहे वो गर्मियाँ हों, सर्दियाँ हों। लेकिन सर्दियाँ जैसे ही आती हैं हम देखते हैं कि वज़न कम करने का एक जो जुनून होता है ना, वो ज़रा ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो है वो मीठे खाने हैं, अपने ट्रेडिशनल फूड्स की तरफ जाना है, तो वज़न ना बढ़ जाए। भाई हलवा जात से जाने नहीं छुटती, और शादियों के फंक्शन पे जाओ तो कोरमे, मतलब चावल भी देगी होते हैं, तो मतलब घ्यो घ्यो और घ्यो। अब आप टेस्ट को जो है ना वो मेरे को भी ख़राब करेंगे। नहीं, पर बात ये है कि देखो ना, उसमें कुछ भंड तो हम मारते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि शादी पे जाना होता है, पहले हम लोग खाना खा के जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके एक और खाना खा लेते हैं, तो दो दो डिनर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिस दिन शादी पे जाना है, स्पेसिफिकली शादी पे जाने के लिए अपना नाश्ता करें हैवी और दोपहर को सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे आ जाए। रात को जब आप शादी पे जाएंगे तो आप ऑलरेडी एक स्पेस बनी हुई होगी आपकी बॉडी में कि आप उसको टाइमली कंज्यूम कर सकते हैं। अब शादी के खाने की मैं बात कर रही हूँ, नान बिल्कुल ना लें, चावल लें, एक पोर्शन अपने प्लेट का चावल लें, सैलड बहुत ज़्यादा लें। अब इसमें हम वो क्रीम सैलड उनकी बात नहीं कर रहे, सिंपल सैलड जो है उनको ज़्यादा लें, और उसके साथ दही, रायता, व्हाट्स सो एवर इज़ अवेलेबल, चिकन मीट पोर्शन अगर रोस्ट वगैरह अवेलेबल है वो लें, आपकी प्लेट रेडी। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल प्लीज़ अवॉइड करें, ऑलरेडी इतना ऑयल वाला खाना आप ले रहे हो तो उसको अगर नहीं लोगे तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अच्छा, और सॉफ्ट ड्रिंक में भी ना एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, बाय द वे आप सबसे मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी गाइस, इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकल आए कि सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप डाइट वाली ले रहे हैं तो इट्स गुड फॉर यू। उसके अंदर जो एस्पर्टेन होता है वो वेट लॉस इनहिबिटर होता है, तो जहाँ पे आपका वज़न बढ़ता नहीं है उसको लेते हुए, उससे आपका वज़न कम भी नहीं होता। सो द पॉइंट इज एस्पर्टेन या आर्टिफिशियल स्वीटनर से बाहर निकल आए, राइट? ऐसे ये भी एक चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं खैर है यार डाइट वाली तो ली है, तीन तीन चार चार पी लेंगे। अच्छा, अब डाइट वाली लेने के चक्कर में जो है ना हम ज़्यादा एक्सेस यूज़ करते हैं और उससे वज़न बिल्कुल कम नहीं होता, बल्कि उल्टा बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जो शुगर्स कह रहे होते हैं, जी ये तो नेचुरल है, ये प्योर है, ये अच्छी है, ये नहीं अच्छी, हमने अच्छी के चक्कर में उसको बिल्कुल ही अपनी बॉडी में से तबाह करना शुरू कर दिया। अब हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट कावा जार, डिफरेंट ग्रीन टीज उनको इनकॉर्पोरेट। यार कोई वेट लॉस का कावा भी बता दो। बिल्कुल, वेट लॉस का कावा जो है, एक 2 कप गर्म पानी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह जब बॉयल आना शुरू हो जाए उसमें डालें अदरक, उसके अंदर दालचीनी जो है वो डालें, और एक चुटकी जो है ना उसमें जीरा डालें इसको। अच्छा, अदरक से बाय द वे आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा सर्दियों में। सर्दियों में आपको जो नज़ला, जुकाम, खांसी हो रही होती है, आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो और बड़े आराम से कर सकते हो। आप इसको स्टेन करके सुबह अगर डेली बेसिस पे पीते हैं तो आप बड़े आराम से 4 से 5 किलो सिर्फ इस एक कावे को डाइट मेंटेन करके यूज कर सकते हो। डाइट मेंटेन कर, डाइट मेंटेन, अब ये नहीं है कि आप कहें कि ओ डाइट वाला कावा ले रही हूँ, चलो पराठे निहारियां, अब ये ना कि साग पराठे खाए और उसके साथ हमने ये कावा पी लिया तो वजन कम। लेकिन एक और भी तो प्रॉब्लम होती है, देखो किसी जगह पे हम जाते हैं किसी ओकेजन पे, अब किसी के घर गए हैं मुलाकात के लिए, ढोलकी है, आप खाना नहीं खाते हो तो वहाँ पे भी बदमजगी होती है। नहीं, खाना आप लोग माइंड करते हैं ना कि आपको हमने बुलाया, दैट इज ट्रू। आप हमेशा जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ढोलकी पे गए और ढोलकियों में जो है ना वो बारबेक्यू का ट्रेंड जरा ज्यादा होता है, आप बारबेक्यू की तरफ चले जाए। आप बहुत सारे नान और ये चीजें ना खाएं, आप बारबेक्यू ले लें, साथ थोड़े से राइस ले लें, सैलेड अपना लाजमी सलाद डालें, आप बड़े आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं।
और प्लीज सलाद क्रीमो वाला नहीं। अब लोग क्या करते हैं कि हमने तो सैलेड ही खाया, वो मैक्रोनी वाला जो क्रीम सैलेड और वो आलू रशियन सैलेड होता है वो क्रीम से और मेयोनीज से भरा हुआ होता है। प्लीज थोड़ा सा हाथ वाला, उससे वजन कम होने के बजाय ना वजन उल्टा बढ़ना शुरू। उससे बेहतर है वो जो बीन्स वाला सैलेड होता है, वो जो आपको लोबिया वाला सैलेड भी वहाँ पे मिलते हैं, मजे का तो होता है लेकिन नहीं वहाँ पे नहीं, वैसे बात कर रही हूँ घर पे बना हुआ बहुत अमेजिंग होता है। अच्छा आप इसमें ये कर सकते हैं कि दोपहर का जो है ना आप अपने सैलेड को जरा इनोवेटिव बना सकते हैं। अच्छा। वो कैसे, चने लोबिया डालें, इनको अल्टरनेट डेज पे यूज करें, उसके साथ खीरा प्याज टमाटर आपने उसके अंदर जो है ना डाल दी, अपनी इमली डाल दी, इमली जो है वो आपका अच्छा खासा वजन कम कर देगी। आप एक बोल बड़ा बना लें और अगर कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है तो वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। इमली के इतने सारे फायदे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। बट वही वाली चीज़ है ना, सर्दियों में कहते हैं जी इमली भी नहीं खानी तो खट्टा भी नहीं खाना तो ये भी नहीं कहना लेना है, जबकि आप सोचे कि अल्लाह मियाँ ने ऑरेंजेस किन्नू वगैरह हमें इस सीजन में दिए। बिल्कुल, अगर आप ऑरेंज डेली बेसिस पे खाना शुरू कर देते हैं ना सर्दियों में स्पेशली अपनी डाइट में और दोपहर में, तो ऑरेंज भी आपके ना तो सिर्फ इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा होगा, आपकी स्किन को, आपके स्किन के टेक्स्चर को, क्योंकि सर्दियों में हम अक्सर देखते हैं स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे होते। जब पानी नहीं पी रहे तो जो ऑरेंज है वो उसको फुलफिल कर देगा, और अगर आप डेली बेसिस पे ऑरेंज भी लेते हो पानी भी पीते हो तो स्किन तो अच्छी हो ही रहेगी। अच्छा ये एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करती है ना जिसपे आई वांट सम क्लैरिटी, वो ये है कि ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट भी इस सीजन में बहुत खाया जाता है। और अब आप जो है बंदे को यहाँ से पकड़ती है थोड़ा यहाँ से पकड़ लिया करें तो क्या ही हो जाएगा। देखो ना ड्राई फ्रूट जितना भी महंगा हो गया जैसे तैसे भी जैसे इतने से चलो गोजे ले लें, लोग लेके खा जरूर लेते हैं खाने, इतने से ले के फिर ये नहीं ना करते कि हफ्ता खा लें, एक टाइम पे बैठ के हमने खाना है जितना भी खाना है। अब हम लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जार्स रखे हुए हैं और एक दफा में बैठ के इतना बड़ा जार खत्म हो जाता है। मूंगफली खाने बैठे हैं तो वो खाते ही चले गए, आपने पिस्ते खाने हैं तो खाते ही चले गए। थोड़ा बहुत उस दिन मैं कहीं पे गई हूँ जोग्राफी, तो वहाँ पर ना इतने वो पड़े हुए हैं उसके जो है ना ट्रैश पीनट्स के, मैं कह रही हूँ ये कहाँ से आ गए हैं, तो वो आगे से कह रहे हैं कि जी ये जो है ना वो मोहतरमा कोई जो थी वो वहाँ से खा के उठ के गई, तो वो मेरा ख्याल किलो डेढ़ तो होंगे तो वो बैठे बैठे खा के चले गए। अब बाद में क्या हुआ, मजे की बात कौन है आप क्यों खाए आपने, मजे की बात। हाँ। थोड़ी देर बाद मुझे कह रही है वजन कम करने का कोई तरीका तो बता दो। I started laughing, मैंने कहा वो जो पीनट्स खाए हैं ना वो वजन कम करने का बड़ा अच्छा सोर्स हो जाएंगे आपके लिए, तो ऐसे ना करें। ड्राई फ्रूट्स जरूर खाएं, बिल्कुल खाएं, 5 बादाम 2 अखरोट 2 काजू 2 पिस्ते और 1 खजूर लाजमी इनकॉर्पोरेट करें। नट्स कभी भी वजन नहीं बढ़ाते, आप अगर मुनासिब अंदाज में खाए जाए तो इससे ज्यादा नहीं खाए, ओवर नहीं हो ओवर नहीं। अच्छा फाइनली एक सूप्स, सूप की अगर हम बात करें तो ये तो सीजन है सूप का, इतने बड़े बड़े जो सालन और वो बट सूप यानी कि आपका टोटल खाना सूप है। हाँ, ये नहीं है कि सूप के साथ साथ आप बिरयानी भी खा रहे हैं कोरमा भी खा रहे हैं, ना ऐसे करें जुल्म लोगों पे। लेकिन क्या है, सूप को डेली बेसिस पे हम डिनर के तौर पे ले सकते हैं। सूप्स में अल्टरनेशन क्या आ सकती है, आप सब्जी का सूप बना लें जिसमें कैबेज वेजिटेबल्स यानी कि गाजर मटर आप उसके अंदर बहुत सारे डालें, उसको पका के आप खा सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा चिकन भी जा सकता है, कॉर्नफ्लावर वगैरह ना डालें, कॉर्नफ्लावर और सोया सॉस ना डालें, बाकी आप उसको बनाकर खा सकते हैं ताकि थिक ना हो, आप उसको जरा ग्रेवी इंजॉय करें। बाकी दालों का सूप बन सकता है, आपका दाल में कार्ब्स भी आ जाएगा, प्रोटीन पोर्शन भी आ जाएगा और वेट जो है वो मैनेज होना शुरू हो जाएगा। भाई बात को खत्म करते हैं, एंड में क्या कहना चाहोगे? एंड में यही कहना चाहूंगी कि वजन कम करें लेकिन अच्छे तरीके से कम करें, ना कि डिफरेंट गलत तरह डाइट्स जो है उनको यूज करके। अच्छे तरीके से डाइट करेंगे तो वजन भी लूज हो जाएगा और आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। इंजॉय करें सर्दियों को भी और वेट लॉस को भी। वो कहते हैं ना खुश रहें आबाद रहें, खाएं पिएं जिंदगी को भरपूर अंदाज में इंजॉय करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। और ज़ैनब गोंदल का अपना भी यूट्यूब का चैनल है, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपको कंटिन्यूस टिप्स चाहिए तो।